फंसी महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था, इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है? दिनांक 21 सितंबर को 2022 में लताबाई उल्के ने थाना मोहदा में रिपोर्ट की थी कि उसकी माँ समीबाई उम्र 50 वर्ष लगभग गांव में अलग मकान में रहती है, और जब इसने सुबह जाके देखा 21 तारीख का तो मृत पाई गई थी और गला उसका साड़ी से कसा हुआ था। रिपोर्ट पे मर्ग कायम करके इसकी जांच की गई थी। मृतिका समीबाई के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोट के हत्या करना पाया गया। उस पे से थाना मोहदा में 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शिमर पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं घटनास्थल पर गए थे और निर्देश दिए थे। इसमें पूछताछ पे पाया गया कि एक भूमा और फिर शंकर सयाम दिनांक 20 को रात्रि में 8-9 बजे उसके आसपास देखा गया था, जो गांव से फरार भी था, जिसको कल पुलिस महोदय ने हिरासत में लेके पूछताछ की। पूछताछ पर उसने बताया कि कुछ माह पूर्व उसने मृतिका समी बाई को 7000 रुपये उधार दिए थे। वो पैसा मांगने उसके घर गया था। पैसे मांगने की बात को लेके समी बाई और भूता उर्फ शंकर सयाम का विवाद हो गया था। इसी पैसे भूमा उर्फ शंकर सयाम ने मृतिका का गला घोट के हत्या कर दी थी। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आज उसको न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।